वो अगर कोई भी फैदर या कोई भी एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको किस तरीके से सिंगल डिजाइन को मल्टीपल कर सकते हैं एंड उसको रोटेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये गिज़्वो आ जाता है। गिज़्वो में यहाँ पे सेटिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग होती है। तो यहाँ पे गिज़्वो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आता है बेंड आर्क, ठीक है, बेंड कर्व, बेवेल, इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे हर एक चीज आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे अभी जो कोई भी एक पर्टिकुलर डिजाइन में कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिफॉर्मर सॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे इस टाइप से, इस तरीके से यहाँ पे ये मैथ्स में जो है इस तरीके से डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे को एक्सेप्ट करना है तो वापस से मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सेप्ट करूंगा जो मैंने इसमें यूज किया है। मान लें कि हमने कोई डिजाइन में चेंजेस करे, तो जस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो अप्लाई हो जाएगा मैथ्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे को इसको, मैं जस्ट स्केल थोड़ा सा अप कर रहा हूँ, ठीक है। फेदर के लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे स्केल डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर फेदर के लिए मैं एक चीज और कर सकता हूँ, जैसे ये मैथ्स है, तो मैं यहाँ पे अगर ये दो अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करके डिफॉर्मर सॉफ्ट इस तरीके से कंट्रोल सेलेक्ट करके ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद मैं इसको मूव करूंगा डाउन की ओर, ठीक है, डाउन की ओर ये मैंने मूव कर दिया। तो ये कंप्लीटली यहाँ से एक कंप्लीट आर्क जो है, जैसे हमारा फर होता है उसकी तरह एक पैटर्न क्रिएट हो अभी जाएगा। सर डिफॉर्म आर्क में गए थे ना आप, हाँ, फिर डिफॉर्मर जैसे सॉफ्ट, सभी सेंटर वाले सभी नोड आपने सिलेक्ट कर दिए और उसको ऊपर कर उनको दिया तो हाँ वैसे हो ऊपर कर गए। दिया, हाँ, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसके होने के बाद अगर मेरे को यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिजाइन कुछ भी प्रोवाइड करना है, लाइक अगर मेरे को यहाँ पे डिजाइन प्रोवाइड करना है, यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट ब्रश है, ब्रशेस में जाके यहाँ पे मेरे पास हेयर वाला जो ब्रश है उसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पे हेयर के लिए मेरे पास इस तरीके से ये मल्टीपल ब्रश है। यहाँ पे मैं कोई भी एक हेयर के लिए ब्रश सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ठीक है, ये मैथ्स में थोड़ा सा रोटेट कर देगा और डिवीजन से ऐड करनी पड़ेगी, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा चेंजेस ब्रश में कर रहा हूँ। हेयर्स के लिए मेरे पास और भी ब्रशेस हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर शॉर्ट हेयर एक बार इसको यूज करके देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट इस तरीके से नॉर्मली, ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट करके जस्ट ये शॉर्ट पैटर्न सर यहाँ यही पे, वाला ब्रश बियर्ड या ऐसा कुछ बनाने में यूज होता है ना, हाँ, वैसे कुछ बियर्ड होती है वैसे। बियर्ड्स वगैरह, हेयर्स वगैरह बनाने के लिए ये ब्रश यूज होता है। तो मैं फर के लिए यहाँ पे फिलहाल पैटर्न के लिए यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाके इसको जस्ट सिंपली क्या करना है, इसको मैं एरे मैस में कन्वर्ट करूंगा। एरे मैस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एरे मैस हमारा यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल एरे मैस। अब फॉर एग्जांपल मैं एरे मैस ऑन किया, ठीक है, अब ये नॉर्मल इस तरीके से नॉर्मल मैस रहेगा। अब यहाँ पे रिपीट, मतलब कि कितने टाइम हमें रिपीट करना है, हमें लाइक अगर 5 टाइम रिपीट करना है, ठीक है, यहाँ पे है 0 अमाउंट। अमाउंट अगर मैं
यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तो ये इस साइड पे RMS में यहाँ पे इस साइड पे मूव होगा। अगर मैं रोटेट करता हूँ माइनस में तो ये माइनस जो कि माइनस में इस साइड पे रिमूव मूव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट क्विकली मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं अराउंड यहाँ पे 30 कर देता हूँ। ठीक है, 30 मैंने कर दिए तो ये कुछ इस टाइप से विंग्स अगर बड़े दिखाने जो भी अपने अकॉर्डिंग हमें रखना है उसके अकॉर्डिंग मैंने माइनस में यहाँ पे एक्स में कर दिया है। ठीक है, अगर मैं वाई में करता हूँ तो ये वाई में इस तरीके से डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जी में अगर चाहिए तो जी में ये रोटेट हो जाएगा। तो जी में तो मेरे को जस्ट जीरो चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या है अमाउंट जो है वो मेरे को चाहिए 25। ठीक है, या 30 अपने अकॉर्डिंग, या 32 कर सकते हो। ठीक है, जितना भी एड ऑन करोगे ये उतना क्लोज होता चला जाएगा। ठीक है, मैस के उतना क्लोज होता चला जाएगा, तो मेरा ये परफेक्ट है। ठीक है, ये मेरे को चाहिए इतने पे। अब आता है स्केल। स्केल अगर मैं एक्स में करता हूँ तो ये मूव हो जाएगा, वाई में करता हूँ तो ये वाई में मूव होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाई में मूव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको इसको मैं अगर माइनस में करता हूँ तो ये माइनस में इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट जीरो रख रहा हूँ अभी। मैं इसको वाई पे अगर करता हूँ तो ये वाई में इस तरीके से मूव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मूव हो गया, सिंपली यहाँ पे मूव हो गया। अब यहाँ पे रोटेट अगर करना है, अगर मेरे को रोटेट करना है थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे वाई में अगर रोटेट करना है तो मैं वाई में कर सकता हूँ, Z में रोटेट करना है तो Z में रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पंख के लिए मुझे कुछ इस टाइप से रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे इस टाइप से रोटेट कर सकता हूँ। तो ये कोई प्रोसेस कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पंख में कुछ इस टाइप का इफेक्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने थोड़ा अलग दिया है, इसमें थोड़ा सा अलग दिया है, हर टाइम चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पंख का जो ये विंग्स है वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अब ये विंग्स का पूरा इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे मेक मैस करना है। ठीक है, मेक मैस कर दूंगा तो यहाँ पे ये पूरा मैस कंबाइन हो जाएगा, मेस मैस जो मैस कंप्लीट सिंगल पीस बन जाएगा। हाँ, सिंगल पीस बन जाएगा। अब ये मेरे पास सिंगल पीस में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम मूव में जाऊंगा, सेटिंग में जाऊंगा, बेंड कर्व होगा। यहाँ पे बेंड कर्व हमारे पास, अब देखो बेंड कर्व में क्या होता है, दो चीजें होती है बेंड कर्व में हमारे पास। एक तो यहाँ पे ये दो पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को अगर मेरे को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का है इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। जितना इंक्रीज करूंगा उतना ज्यादा मुझे मतलब कि मूव करने में हेल्प होगी। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये यहाँ से मूव होगा, बाकी सब रखा रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट अभी क्या करूंगा, मेरे को कम चाहिए, स्टार्टिंग में मैं रखूंगा सिर्फ 3 या 2 रख सकते हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को पंखों को विंग्स को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करना है। ठीक है, इस तरीके से अब ये विंग्स अप हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करूंगा, ये यहाँ से मैं इस तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर मेरे को बैक करना है तो यहाँ से बैक कर सकता हूँ, यानी कि ये थोड़ा सा इस तरीके से इफेक्ट देंगे। ठीक है, जितना भी चाहो उतना आर्क यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब ये आर्क मैंने यहाँ पे दे दिया विंग्स बनाने के लिए। तो ये कंप्लीट विंग्स किसी भी चीज के, जितना भी आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे इतने विंग्स प्रोवाइड करने हैं, इतना आर्क प्रोवाइड करना है। अब जैसे नॉर्मली सीएनसी मशीन में तो आर्क देने की जरूरत है नहीं, वहां तो सिंपली आप इसको इस तरीके से एक पीस में, सिंगल पीस में इस तरीके से अप डाउन ही करोगे, ज्यादा आर्क देने की आपको नीड नहीं है। बट आर्क वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी कुछ यूज करना पड़े तो आर्क आप दे सको यहाँ पे। ठीक है, सर, ये वाला आर्क वाला कंसेप्ट है ना, हाँ, वो मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ। मेरे एक दोस्त है, हाँ, उसने लाइट बनाई थी, पैरामेट्रिक लाइट। ओके, मैं आपको फोटो भिजवाता हूँ। तो ऐसा वाला चीज है ना, उसमें बन पाएगा।
मतलब उसने ऐसा प्लेन ही बनाया था, हाँ फिर उसमें उसने ऐसा किया था कि फिर उसको स्लाइसर में लेके हाँ हाँ उसने उसको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया था। ओके ये देखिए उन्होंने, उसने लाइट बनाई थी ऐसे वाली, मैं आपको फोटो व्हाट्सएप किया हूँ। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। ये वाले कंसेप्ट से वो हो जाएगा इजीली। हाँ जो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है ये वाला यूज कर सकते हो आप अगर इस टाइप का कुछ बनाना चाहते हो। एक मिनट फिर ये ऐसे बन जाए तो फिर स्लाइसर में लेके उसको क्या है, कन्वर्ट ही करना रहेगा। मतलब इसमें थिकनेस तो बढ़ा सकते हैं ना वैसे ये। इस टाइप का बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हो आर्क वाला। ये वाला शायद उस दिन जो बताया था शायद वो वाला है। ये वाला मैं समझ गया जो स्लाइसर में बताया था ये वाला पैटर्न बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। इसको यूज करके सेम वहाँ पे डिजाइन के साथ आप आराम से डिजाइन कर सकते हो। ये मैं समझ गया हूँ। इसको जस्ट एक चीज और कर लेना कि यहाँ पे ना जब भी आप डिजाइन करो या कोई भी चीज बनाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न का आप ध्यान रखना। जैसे अभी मैंने ये वाला पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से तो ये क्या होगा यहाँ पे ब्लर हो जाएगा थोड़ा सा। ये ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जब मैं रोटेट करूंगा तो पैटर्न आप बाद में भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैंने जस्ट क्विकली थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया है। तो ये अभी यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे इसको जस्ट एक्सेप्ट कर लेना है सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जाके इसको डायरेक्ट यहाँ पे गिज़्मो में एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब मेरा ये विंग्स रेडी हो गए। अब विंग्स में अगर मेरे को डिटेल और हाई डिटेल करना है तो मैं इसको हाई डिटेल के लिए सिंपली यहाँ पे जाके डिविजन से ऐड कर दूंगा। डिवीजन ऐड करूंगा ये उतना हाई हो जाएगा ठीक है। ये इस तरीके से ये पूरा विंग्स का। सर कहाँ गए? कंट्रोल ही दबाए ना आपने? हाँ नहीं कंट्रोल ही नहीं गिज़्मो में गया। गिज़्मो में यहाँ पे जाके यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी मैं बैंड में जाता हूँ तो ये बैंड हो गया ठीक है। अभी ये हाई पोली हो रखा है तो मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल सी यहाँ पे गया मैं बैंड में गया। बैंड कर्व यहाँ पे आ जाएगा। बैंड कर्व करने के बाद यहाँ पे आएगा सेटिंग। सेटिंग में जाना है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। जब ये ओके कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे डिवीजन सेट कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 डिवीजन सेट किए। 3 डिवीजन्स में ये हाई हो जाएगा इस तरीके से डिटेल्स। अगर और हाई चाहिए तो यहाँ पे और थोड़ा सा हाई कर सकते हैं ठीक है। 5 डिवीजन्स ऐड हो जाएगी। मिलियंस में पॉलीगन्स हो जाएंगे ठीक है। और ये काफी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से करना है तो ये भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो फर का ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जब ये चीज हो जाएगी तो यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा और हाई क्वालिटी थोड़ा सा और प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जाके सिंपली फर फर के यहाँ पे अल्फा मिल जाएंगे। अल्फा यहाँ पे अल्फा हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीपल फर के अल्फा हैं तो यहाँ पे मैं एक कोई भी अल्फा यूज कर सकता हूँ। जैसे ये वाला अल्फा अगर मेरे को चाहिए तो मैं ये वाला अल्फा सिंपली यहाँ पे सेव इमेज करने के बाद यहाँ पे मैं अपने अल्फा को सेव कर लेता हूँ। अल्फा लेयर्स में जाके सॉरी सरफेस में जाके यहाँ पे नॉइज अल्फा ऑन ऑन में जाके यहाँ पे क्लिप करना है। जो हमारा अल्फा है वो इंपोर्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे देखोगे कि ये सिंपली अल्फा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे एडिट में जाना है।
एडिट में जितना भी मतलब कि अल्फा का यूज करना है, मतलब कि यहाँ पे अगर मेरे को हाई डिटेल प्रोवाइड करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे स्केल नॉइज स्केल वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ यहाँ पे हाई कर सकता हूँ, लो कर सकता हूँ इस तरीके से जूम करके। यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, स्केल थोड़ा सा मेरे को ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाई, ये इस तरीके से फर में स्ट्रेंथ का अगर मेरे को थोड़ा सा और हाई चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, इजीली यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट बेसिक नॉइज जो है वो 0 मैंने कर दी है, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पे हाई मतलब रिवर्स और माइनस और प्लस ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जितने भी डिटेल यहाँ पे हाई करनी है तो मैं रिवर्स इसको माइनस में यूज करूंगा और डिटेल के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से, स्केल अगर थोड़ा और हाई करना है तो हाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्केल हाई कर दिया, ठीक है, स्केल ओके, ये फाइन। अब मैं माइनस में करता हूँ तो ये कंप्लीट इस पे भी अल्फा यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जिस भी तरीके से अल्फाज मल्टीपल अल्फाज यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका में ये है कि हम सिंपली यहाँ से ड्रैग करके भी अल्फा को यहाँ पे अल्फा इंपोर्ट करके यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अल्फा को अल्फा, ये मेरे पास अल्फा है और यहाँ पे अल्फा को मैं ड्रैग कर लूंगा ड्रैग ब्रश से, जीरो, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा नॉइस को ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सिंपली अल्फाज को, मैन्युअली सर, मतलब हाँ, मैनुअली, तो यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, जिस भी क्योंकि फर का अगर डिजाइन थोड़ा पैटर्न चेंज करना है तो इस तरीके से। बट यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट किया है, बट जब डिजाइन करो इस, ये तो मैं क्विकली थोड़ा सा बताने के लिए किया है, बट जब डिजाइन करो कोई भी चीज तो यहाँ पे लेयर्स जरूर एक्टिवेट कर लेना। लेयर्स में थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे अभी लेयर्स में अगर काम होता है तो इजी पड़ता है, हमारा मैथ जो है वो खराब नहीं होगा, जो हमने मैथ रेडी किया है उसमें कुछ भी अगर हमें डिटेल्स एड ऑन करनी है या फिर हटानी है तो यहाँ से हम आराम से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर बना दी, न्यू लेयर बना के यहाँ पे रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी डायरेक्ट। यहाँ पे मैं इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा, ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैथ मेरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये अगर मेरे को डिटेल्स यहाँ पे हटानी है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करा, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग ऑफ होगी तो अल्फा अगर ड्रैग करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे मैथ ना, जो हमारा मैथ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरीके से दिखाएगा मैथ हैज डिफॉर्मेशन सेव लेयर, ठीक है, तो ये दिखाएगा। तो ये एक्टिवेट जब तक ये ऑन है तब तक कुछ भी ड्रैग नहीं होगा, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगी कंप्लीटली, मैथ मेरा ओरिजिनल मैथ इस तरीके से रहेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो अब ये डायरेक्ट मैथ के ऊपर हो रही है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे अगर कोई भी शेप बनाते हो, डिजाइन बनाते हो, तो यहाँ पे इसको लेयर्स में ही डिजाइन एक सेपरेटली बनाना, ठीक है। तो विंग्स ये इस टाइप से बन जाएंगे, विंग्स रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे विंग्स होने के बाद हेलो सर, सर हाँ, ये विंग्स को रेडी करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपका कॉल डिस्कनेक्ट। हाँ बस सब सही है। हेलो,
हाँ सर, ओके। हाँ हाँ ठीक है, अब ये लेयर जो है हमारी रेडी हो जाएगी। इसके बाद इसको जस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेयर्स वगैरह यहाँ पे आगे जो है उसको हम इस तरीके से एक